A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be solving the topics that have been given in the previous years. Now this video has three parts. The very first is we'll be analyzing the 2018 paper. The second part in which we'll be knowing ki what the things you need to do in your essays and what things are there that you don't need to do. And the third, we'll be just giving a brief review of whatever topics have come in past few years in essay. Okay. The very first part of this is 2018 ka ye paper hai, SALT. And is paper mein we have already 19 and 20 I have already done. जो हमने एक वीडियो में पोस्ट किया था दैट इज नोन एज नॉट टू डू लिस्ट ऑफ कॉम्पोजिशन राइटिंग वो आप एग्जाम एनालिसिस के नाम से भी सर्च कर सकते हो ये उसी का ही थर्ड पार्ट है जिसमें सबसे पहला पार्ट दिया हुआ है इट इज ऑफ 2018 सॉल्व्ड पेपर ठीक है द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस इज यू हैव रिसेंटली मूव्ड टू अ न्यू नेबरहुड सिटी neighborhood in your city and describe the new neighborhood comparing it to the one you left you just left now this is a kind of descriptive essay aapko simply kya karna hai aapko yahan par sirf ek simple sa description dena hai ki ye jo essay ye jo question pucha gaya bas usko aapko describe karna hai okay then next is Next part of this is relate something unpleasant that happened to you during your childhood that nevertheless helped you to grow up and mature. Now this is a kind of narrative essay. Okay. सेकेंड पार्ट जिसमें देखो फर्स्ट है डिस्क्राइब करना है तो दिस इज योर डिस्क्रिप्टिव दूसरा जब आपसे आपका कोई एक अनप्लीजेंट सा इंसिडेंट पूछा गया है जिस जो आपके चाइल्डहुड में हुआ एंड दैट हैड लेट यू टू ग्रो अप एंड मैच्योर और उसके बाद थर्ड इज द एंड जस्टिफाइज द मीन्स ये दिस इज द थर्ड पार्ट दैट इज नोन एज आर्ग्यूमेंटेटिव एसे देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट अस अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव एसे ठीक है अभी हम लोग इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे कि ये कैसे आप लोग पहचानते हो नेक्स्ट इज योर डिस्कर्सिव एसे जिसका कोई एक स्पेसिफिक डिस्कर्सिव कह सकते हो या इसको कुछ एक्सपोजिटरी एसेज भी कहते हैं जिसमें आपको सिर्फ कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी होती है या जिसको आप बहुत ही वाइडर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर सकते हो देन नेक्स्ट इज द लास्ट पार्ट इज शॉर्ट स्टोरी राइटिंग ओके तो द सबसे पहला पार्ट दैट यू नीड टू नो इज कि ये डिस्क्रिप्टिव वाला है अब देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि यू हैव रिसेंटली मूव्ड टू अ न्यू नेबरहुड इन योर सिटी एंड यू हैव टू डिस्क्राइब द न्यू नेबरहुड कंपेयरिंग इट टू द वन यू हैव जस्ट लेफ्ट द पर्पस ऑफ दिस पार्ट और द थ्री पार्ट ऑफ द वीडियो इज फॉर यू टू चूज योर बेस्ट काइंड ऑफ एसे दो चीजें हम कहना चाहेंगे सबसे पहला What essay you are supposed to choose is completely up to you. Like my personal favorite was always argumentative क्योंकि वो उसमें I had a lot of things to write. ठीक Second thing that I cannot give you any sort of important essays क्योंकि हम आपको 10-20 essay तक limited नहीं रखना चाहते If you have any of the books of total English या फिर कोई भी English language की book हो आपके पास जो ISC की है या ICSE की है जितने भी एसेज उसमें दिए हुए हैं उनको सर्च करो और छोटा छोटा सा टॉपिक उसका बस एक एक बार रीडिंग कर लो सो दैट यू हैव एम्पल ऑफ थिंग्स इन योर माइंड कि हाँ एक ऐसे है तो इसको ऐसे करके लिखा जाता है क्या कैसे लिखते हैं दैट आई विल टेल यू बट व्हाट यू हैव टू राइट इज ओनली डिपेंड ऑन यू क्योंकि टॉपिक डिपेंड करता है कि क्या आता है ठीक है और वो बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है आई कैन नॉट गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट essay topics first part is ki you have recently moved to a new neighborhood and you have to describe the neighborhood comparing it to the one you just left ab dekho ye jo topic hai isme kya kaha gaya hai that the topic that required ki aapko ye batana hai ki write you have to write about your moving from one neighborhood to the new one कुछ कैंडिडेट्स ने दे गॉट कंफ्यूज्ड बिटवीन द नेबरहुड आपको सराउंडिंग बतानी थी नेबर्स के बारे में नहीं पूछा था अ लार्ज नंबर ऑफ आल्सो रेफर टू शिफ्टिंग फ्रॉम वन सिटी टू अदर
which was not correct. Similarities and differences were not clearly written. कि अगर आप दो चीजों के बीच में differences बता रहे हो, आप अपनी ही सिटी, एक चीज ध्यान रखना, अगर उसमें साफ साफ मेंशन किया गया इन योर सिटी, टॉपिक को चार बार पढ़ो अगर आपको वो एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, उसको 10 बार रीड करो कि चलो अब मैंने इस टॉपिक के एक एक कॉन्सेप्ट को देख लिया है, नाउ आई कैन राइट इट. सो व्हाट हैज बीन सेड कि एक ही सिटी में आप अपने एक कोई एरिया, लोकेलिटी आपने चेंज किया, तो यू जस्ट नीड टू डिस्क्राइब कि आपका जो आसपास का एरिया है वो कैसे है. दे हैव नॉट आस्क्ड यू द पर्सन, नेबर और नेबरहुड में डिफरेंस होता है, तो यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन द लोकेलिटी जहां पर आप रह रहे हो. ओके, देन सेकेंड पार्ट इज रिलेट समथिंग अनप्लीजेंट दैट हैपेंड टू यू ड्यूरिंग चाइल्डहुड that nevertheless helped you to grow up and mature. अब इसका भी एक analysis दिया हुआ है that although a large number of candidates attempted this topic. देखो narrative क्या होता है, सबसे ज्यादा आसान topic अगर कहा जाए तो वो narrative ही होता है, only if you know कि मतलब ऐसे का एक सबसे बड़ा rule है कि अगर आप कोई भी ऐसे लिखते हो just keep your heart into it. इसका मतलब है कि आप ऐसे पढ़ो ऐसे को, ऐसे लिखो ऐसे को कि अगर examiner उसको पढ़ भी रहा हो तो ही कैन इमेजिन द थिंग्स, ही कैन फील द थिंग्स जो आपको आप जो उनको समझाना चाहते हो, उस अकॉर्डिंग ये सबसे आसान होता है. इसमें सिर्फ आपको अपने बारे में लिखना है, आई एम ई का यूज करना है, और उसके बाद दूसरी चीज आपको ये जो जितनी भी चीजें हैं ये कैसे देनी है, ये पूरा का पूरा आपको पास्ट टेंस में देना है. ठीक है, फिर इसी में ही देखो ये चीज लिखा हुआ है कि although a large number of candidates attempted this topic did write well, many did not pay attention to the second part that growing up and maturing after undergoing the unpleasantness of the incident. कि आपको ये भी दिखाना है कि something unpleasant तो हुआ, that you have explained, but you also have to explain कि कैसे इंसान grow हुआ या उस चीज को लेकर के मेच्योर हुआ, उसके अंदर वो चीज आ गई कि हाँ अब मुझे ये गलती दोबारा से नहीं करनी है. ओके, देन थर्ड क्वेश्चन इन दिस वाज द एंड जस्टिफाइज द मींस. आप जिस तरीके से या जिस मेथड से किसी भी चीज को कर रहे हो, अगर एंड ऑफ द डे आपका जो पर्पस है वो फुलफिल हो गया है देन इट इज फाइन. तो आपको इसी के फॉर या अगेंस्ट में लिखना है, दिस इज आर्ग्यूमेंटेटिव. अब आर्ग्यूमेंटेटिव में व्हाट हैज बीन सेड कि मेनी बट दोज हु डिड were able to treat it well. However, candidates did not take a proper stand. Argumentative का सबसे बड़ा rule यही है कि either you have to take it for या फिर against. It doesn't mean कि आप थोड़ा बहुत इसमें चुटकी भर भी against डाल दोगे बाकी आप for लिखोगे, नहीं, don't do that. हाँ, सिर्फ एक चीज कर सकते हो कि in case you want to tell the importance, आप उसमें however लगा दो, but लगा दो, although लगा दो, even though लगा दो, तो ये सारे वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे कि आप एक कंट्रास्ट शो कर रहे हो कि भले ही ये चीज ऐसी है फिर भी जो उसका नेगेटिव पॉइंट है वो उससे ज्यादा हावी है. ओके, प्रॉपर स्टैंड नहीं लिया, दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिव. ऐसे ऑल्सो डिड नॉट गिव द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स दैट वर सपोज टू बी गिवन. अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे कि एक ऐसे में आपको क्या चीजें करनी होती है. नेक्स्ट इज अपियरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव. अब ये एक सिंपल आपका व्यू पॉइंट पूछा है, आप उसको फॉर में लिखो अगेंस्ट में लिखो जैसे भी लिखो उसमें कोई इश्यूज नहीं होते. डी वाला पॉइंट है ये. तो नो मेजर एरर्स वर मेड इन दिस टॉपिक, अ फ्यू कैंडिडेट्स रोट शॉर्ट स्टोरीज फॉर विच दे लॉस्ट मार्क्स. तो द थिंग इज कि रिफ्लेक्टिव स्टोरीज में आपको शॉर्ट स्टोरीज नहीं लिखनी होती है. ओके, देन नेक्स्ट इज ड्रीम्स. एक नॉर्मल सा एक टॉपिक दिया है, इट हैज अ वाइडर पॉइंट ऑफ व्यू, आप उसको किसी भी फॉर्म में, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी 10 directions में आप इसको लेके जा सकते हो. What has been said here, a large number of candidates attempted this topic, most of them attempted it well, some however took it as a singular word and lost marks. The wide scope and creativity it provided could not be fully utilized by some candidates. Same चीज बोली गई है यहाँ पर भी कि अगर एक word दिया है dreams जैसे दिया है तो you can go for many of the topics. Singular word का क्या मतलब होता है यहाँ पर कि आप उसको सिर्फ एक single form में देख लो. अब चाहे वो ऐसे वाला सोना हो, चाहे वो day dreaming वाला हो, चाहे वो सपने देखना हो that a person wishes to achieve. Any form can be taken.
ऑल द फॉर्म्स कैन बी टेकन, अगेन यहाँ पे बोला गया है वाइड स्कोप शुड बी देयर, देयर शुड बी क्रिएटिविटी, ये दो चीजें हैं जो इस टॉपिक में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो दैट कैन बी रिटन हियर. फिर एफ वाला पॉइंट इसमें बोला गया है द लास्ट वन, दैट राइट अ शॉर्ट स्टोरी दैट एंड्स विद द वर्ड्स. अब एक चीज याद रखना, अगर एंड बोला है तो अंत से करोगे, बिगनिंग बोली है तो शुरू उससे करोगे. That is the only thing you need to keep in mind in case of short stories. क्या लिखा है इसमें कि आपको इससे end करना है. I really doubt if things could have turned out any better. Okay? कि काश चीजें उससे ज्यादा better हो सकती थी. A large number of candidates उन्होंने short stories तो attempt की, पर उन्होंने जो four essential requirements थी, सबसे पहले plot कि आप अपनी story मतलब what is it, what it's the story all about, plot नहीं बताया, setting you have to tell कि कहाँ पर, भाई अगर examiner आपके इस short story को पढ़ भी रहा है, पहली चीज original short story, don't take any of the कि हमने merchant of venice उठा ली, tempest उठा ली हमने, या कोई भी हमने 10th की, 9th की, 8th की stories उठा ली, that is not allowed, ठीक है. फिर सेटिंग शुड बी देयर, कहाँ वो प्लेस की गई है, अगर एग्जामिनर पढ़ भी रहा है आपकी स्टोरी को तो उसको ये समझ में आए ना कि स्टोरी कहाँ पर प्लेस हुई है, कि हवा में आप लोग ने पूरी स्टोरी को सेटअप किया है नहीं. फिर कैरेक्टर्स उसमें कौन कौन है, अगर आप बोल रहे हो ही शी मी कोई भी पर्सन है तो कौन है. फिर देयर शुड बी प्रॉपर डायलॉग्स एंड रोट इट एज अ फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव इन द सेंस कि आई मी का यूज यहाँ पर कर लिया, यहाँ पर सिंपली एक स्टोरी मांगी गई है. द अदर कॉमन एरर वॉज नॉट लिंकिंग द गिवन लाइन विद द स्टोरी, कि अगर आप लास्ट में ये कह रहे हो कि कह भी रहे हो अगर ये कि आई रियली डाउट इफ थिंग्स कुड हैव टर्नड आउट एनी बेटर, तो आपको ये भी एंड भी तो मतलब एंड भी कर रहे हो उसे, तो लिंक करो उसको, ये नहीं कि हमने सिर्फ डाल करके उसको वहीं पर ही खत्म कर दिया है. ओके तो यही सारी चीजें इसमें दी हुई हैं. अब देखो फर्स्ट वाला टॉपिक जो था डिस्क्रिप्टिव वाला, उसमें क्या क्या चीजें डिस्क्राइब करनी थी, ओल्ड नेबरहुड, न्यू नेबरहुड और उसके बाद सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज. सेकेंड जो नैरेटिव था जिसमें आपको अनप्लीजेंट इंसिडेंट देना था, आपको नरेट करना था दैट अकर ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड एंड दैट हेल्प यू टू ग्रो एंड मेच्योर. थर्ड आर्ग्यूमेंटेटिव है जिसमें कैंडिडेट्स मस्ट हैव टू प्रोवाइड देयर व्यूज ऑन द, नहीं ऊपर वाला था, हाँ आर्ग्यूमेंटेटिव है जिसमें द कैंडिडेट मस्ट प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट. सिटिंग ऑन अ फेंस इज नॉट परमिटेड, सिटिंग ऑन अ फेंस मतलब जाली, कि हम इधर का भी बोलेंगे और रहेंगे हम बीच में, ये भी अच्छा ये भी अच्छा और रहेंगे हम बीच में, ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए उसमें. फिर नेक्स्ट रिफ्लेक्टिव एसेज जिसमें पूछा गया था अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, कोई और पूछा गया था, एंड वाला पूछा गया था इसमें, लेट मी चेक, डी वाला ना, अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, तो दिस इज रिफ्लेक्टिव और रिफ्लेक्टिव के लिए क्या बोला गया है दैट कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड देयर व्यूज उनको फॉर एंड अगेंस्ट ऑन द गिवन टॉप, नहीं गिवन टॉपिक और इवन दे में, या तो आप अगेंस्ट यूज कर सकते हो, फॉर यूज कर सकते हो, या दोनों की ही अच्छाइयां और बुराइयां भी बता सकते हो. और उसके बाद था वन वर्ड एसे, व्हाट वाज दैट वन वर्ड एसे, आई हैव फॉरगॉटन, हाँ ड्रीम्स है ना वन वर्ड एसे, तो क्या कहा गया इसके लिए कि द एसे वॉज वन वर्ड और एक्सपोजिटरी, एनी टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन, शॉर्ट स्टोरी भी आप इसमें लिख सकते थे, कैन बी रिटन एज लॉन्ग एज इट इज कनेक्टेड विद द वर्ड. तो जैसे ये सब वन वर्ड होते हैं, इसमें वॉट यू कैन डू, यू कैन राइट शॉर्ट स्टोरीज ऑल्सो इन इट. देन नेक्स्ट इज ओरिजिनल स्टोरी आपको लिखनी थी, जिसमें गिवन वर्ड होने चाहिए, इसमें एलिमेंट्स होने चाहिए जैसे कि प्लॉट, सेटिंग, कैरेक्टर्स, डायलॉग एंड इट शुड बी अ लॉजिकल स्टोरी. ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी इसमें. नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स द थिंग्स कि क्या आपको इसमें एक्चुअल में करना चाहिए. जैसे ये वाला पार्ट है, द फर्स्ट वन इज एक्सपोजिटरी, नहीं वेट,
ओके दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. हम फिर से इसको एक्सप्लेन करके फिर से हम पीडीएफ सेंड कर दे रहे हैं इसकी. क्या कहा गया है कि डिस्क्रिप्टिव एसेज. अब देखो डिस्क्रिप्टिव जो सबसे पहले वाले एसेज थे उसमें व्हाट शुड बी कंसिडर्ड ऑल एस्पेक्ट्स सबसे पहली चीज. ठीक इट इज डिफरेंट फ्रॉम नैरेटिव. नैरेटिव से डिफरेंट ये कैसे हो सकते हैं कि अगर आपसे कोई चीज डिस्क्राइब करने को बोला गया तो क्या क्या होगा. आपने क्या सुना, क्या देखा, क्या स्मेल किया, व्हाट यू टच, व्हाट यू टेस्टेड. अब यहाँ पर व्हाट एवर यू हैव हर्ड आप उसके साउंड्स बता सकते हो. ग्रेटिंग, रैटलिंग ये सारी चीजें थी. सी आपने जो चीजें देखी है वर दे प्लीजेंट, वर दे अनप्लीजेंट. यू स्मेल समथिंग, वॉज इट अ काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस और नॉट. यू हैव टच्ड समथिंग तो वो कैसी थी. देन यू हैव टेस्टेड, वॉज इट सोर, बिटर, स्वीट, क्या था. तो ये सारी चीजें आप उसमें बता सकते हो जो आपके सेंसेस से रिलेटेड हो. फिर कुछ स्पेसिफिक एडवर्ब्स या एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हो. बी, लुक, सीम के वर्ब्स आप यूज कर सकते हो. कोई वेग फॉर्मुलेशंस नहीं होने चाहिए उसमें. योर इम्प्रेशंस डिस्क्रिप्टिव में, फीलिंग्स, मेमोरीज, एसोसिएशंस उसमें होने चाहिए और व्हाटएवर कंपैरिजंस यू कैन डू यू कैन यू शुड डू. ओके नेक्स्ट इज नैरेटिव. ये एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए. एज अप्रोप्रिएट का मतलब है कि डोंट गिव एग्जाम्पल्स दैट यू आर गोइंग फॉर सम इंटरव्यू आफ्टर योर ग्रेजुएशन और यू आर लिविंग इन अ यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ अ वेरी ओल्ड पर्सन. तो ऐसे करके नहीं, एज अप्रोप्रिएट नरेशन होने चाहिए. देर शुड बी योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ऑल द एस्पेक्ट शुड बी टेकन. जितनी चीजें उस क्वेश्चन में बोली गई हैं वो सब आपको समझनी है. इंट्रोडक्शन कि आप उस टॉपिक को कैसे डिस्क्राइब करोगे. द राइजिंग एक्शन कि चलो हम उस प्लेस पर गए हैं. क्लाइमैक्स क्या होता है कि समथिंग दैट द हीट ऑफ द मोमेंट, जो इंटेंसिटी होती है जब किसी एक पर्टिकुलर स्टोरी या किसी एक पर्टिकुलर मूवी की जो कोई एक पार्ट जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है दैट इज क्लाइमैक्स. देन इज द फॉलिंग एक्शन एंड देन इज डिनाउंसमेंट द लेसन दैट यू हैव लर्न्ड फ्रॉम द नरेशन. जैसे इस क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि अनप्लीजेंट सी चीज जो आपने हुई हो और उससे आपने क्या सीखा है. नेक्स्ट का आर्ग्यूमेंटेटिव कि आपको एक क्लियर स्टैंड लेना है चीजों पे, चाहे वो फॉर हो चाहे अगेंस्ट हो. डोंट इंक्लूड बोथ गुड एंड एविल, अच्छाई बुराई दोनों चीजें, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों चीजों से मत लिखो. एग्जांपल्स दो. इफ यू आर सेइंग दैट एंड मीट्स एंड एट द एंड जस्टिफाइज मींस, तो आप उसके एग्जांपल्स दो कि अगर आप कोई भी मेथड यूज कर रहे हो तो उस मेथड से अगर आप कोई अच्छी चीज पा रहे हो तो वो मेथड कैसे बुरा नहीं है. तो उसके आप एग्जांपल्स दो. डोंट सिट ऑन द फेंस, यू नीड टू टेक सम डिसीजन आइदर फॉर और अगेंस्ट. ठीक फिर उसके बाद इसमें एग्जांपल्स दिए कि अगर आपने एक इंट्रोडक्शन दो, जनरल स्टेटमेंट दो या अपने टॉपिक को थोड़ा सा इलैबोरेट करो. दूसरा दिया हुआ है कि एक आर्ग्यूमेंट लिखो एक पैराग्राफ में, उसके एग्जाम्पल लिखो, दूसरा आर्ग्यूमेंट लिखो कि ये ऐसे लिए इसलिए ऐसा है, फिर तीसरा आर्ग्यूमेंट लिखो और उसके बाद उसका एग्जाम्पल दो. लास्ट इज यू हैव टू गिव कंक्लूजन टू इट कि आप दोबारा से अपनी स्टेटमेंट को बता रहे हो और बोल रहे हो कि ये ऐसे इसलिए, समराइज कर रहे हो अपने पूरे आइडियाज को. ओके देन लास्ट इज द नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिव ऐसे जिसमें आपको सिर्फ पूछा जाता है गिव योर व्यूज. ठीक आइदर फॉर अगेंस्ट नहीं पूछा जाता, जिसमें पूछा जाता है गिव योर व्यूज. उसमें शॉर्ट स्टोरीज नहीं लिखनी होती है. मेटाफोरिकल मीनिंग आप यूज कर सकते हो. जैसे इसमें लिखा हुआ है इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो ये अलग अलग टाइप ऑफ टॉपिक्स होते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको, जिसमें आप ये बता सकते हो कि मतलब किसी भी चीज की हिडन मीनिंग आप बता सकते हो उसमें. ब्रिंग आउट द हिडन मीनिंग, यहाँ पर यू कैन टेक कंपेरिजन कि इसको हम किस चीज से कंपेयर, इस स्टेटमेंट को हम किससे. जैसे एक स्टेटमेंट ले सकते हो रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, तो इसका क्या मतलब होता है कि चीजें एक दिन में नहीं होती है. तो ये हुई मेटाफोरिकल मीनिंग उसकी. ठीक फिर ब्रिंग आउट द हिडन मीनिंग. डोंट सिंपली डिस्क्राइब द टॉपिक. अगर मान लो आपको कोई कोटेशन भी दे दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको सिंपली डिस्क्राइब कर दोगे. यू नीड टू एक्सप्लेन कि इसका तात्पर्य क्या है. देन यूज प्रोवर्ब्स,
अब ये वाला वो पार्ट होता है रिफ्लेक्टिव एसेज, जिसमें आप कोटेशंस यूज कर सकते हो, लिटरेचर की लाइंस यूज कर सकते हो, जैसे शेक्सपियर या किसी की कुछ अच्छी सी लाइंस हो, आप बहुत सारे आइडियाज और एग्जांपल्स इसमें दे सकते हो, और अपने पार्ट की अपने कोई शॉर्ट स्टोरी अपनी लाइफ की जो कुछ एक पॉइंट हो वो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। पूरी स्टोरी नहीं लिखनी है, बहुत बड़ा पार्ट ऑफ स्टोरी नहीं लिखना है, इतना सा एक पैराग्राफ में यू कैन डिस्क्राइब इट। ठीक, फिर नेक्स्ट पार्ट इज रिफ्लेक्टिव ऐसे, रिफ्लेक्टिव ऐसे का ये वाला पार्ट है जिसमें आपको एक क्विक क्विक प्रिव्यू देना है जो एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी है उसको, इट इज अप टू यू, ये तो लिख दिया गया ऐसे इसमें। ठीक है, फिर बॉडी पैराग्राफ, मतलब क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, आप डिस्क्राइब कर रहे हो उसके इफेक्ट को, फिर लेसन, और उसके बाद समराइज कर रहे हो उसको, फिर उसमें यही चीज दी हुई है कि वॉट थिंग्स आर देयर, देन वॉट आर योर फीलिंग्स इन इट, यू हैव टू इवेल्युएट इट, एनालाइज इट एंड कंक्लूड इट, और उसके बाद इफ इट अरोज अगेन वॉट वुड यू डू, तो ये एक्शन प्लान हो गया। उसके बाद आता है एक्सपोजिटरी एसेज या फिर डिस्कर्सिव एसेज, जिसमें कोई एक वन वर्ड टाइप ऑफ एसेज होते हैं, ये सिर्फ एक डिटेल्ड डेफिनेशन, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ था ड्रीम्स का, तो ये कोई डिटेल्ड डेफिनेशन नहीं है दैट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज फैक्ट्स, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट यूज करने हैं उस टॉपिक को डिस्क्राइब करने के लिए। एनी कॉम्पोजिशन, इवन कोई शॉर्ट स्टोरी भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो, सिर्फ इंट्रोडक्शन हो, बॉडी पैराग्राफ हो, जिसमें आप क्या लिखोगे, एग्जाम्पल्स लिखोगे, उसको इलैबोरेट करोगे और लिंक करोगे, और उसके बाद लास्ट में विल बी योर कंक्लूजन्स। लास्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी दैट शुड बी ओरिजिनल, ओपनिंग सेंटेंस अगर दिया है तो वो पूरी स्टोरी से कनेक्टेड होना चाहिए, नैरेटिव आई और मी का यूज इसमें नहीं होना चाहिए, नैरेटिव में होता है आई मी का यूज, डोंट प्लेगराइज स्टोरीज, मतलब कि आप ओरिजिनल लिखो, ये नहीं कि किसी कुछ कोई भी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, पोयम या कुछ भी हिस्सा आपने उठा करके इसमें कॉपी कर दिया, दैट यू कांट डू, यू शुड नॉट डू, आप मार्क्स उसमें आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ओपनिंग क्लोजिंग सेंटेंसेज एज इट इज लिखो, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट शुड बी रिटन इन फर्स्ट और थर्ड पर्सन स्टोरी, अगर आप लिख रहे हो उसमें तो इट शुड बी इन फर्स्ट और थर्ड पर्सन, इन द सेंस कि अगर आप आई का यूज भी कर रहे हो, आई और मी का, तो भी जो कैरेक्टर्स हैं आपको उनको डिस्क्राइब करना है, नहीं तो आई यू कैन प्रेफरेबली आप ही दे, इन्हीं सब का यूज करो, और उसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या, दैट प्लॉट होना चाहिए, सेटिंग, कैरेक्टर्स, डायलॉग्स एंड लॉजिकल एंडिंग, और उसके बाद कुछ हमने ओपनिंग लाइन्स दी थी, वैसे तो ये आ जाती हैं, बट स्टिल इफ यू नीड टू यूज इट, आप उसको अपने आप से यूज कर सकते हो, ये इसी में ही दी हुई हैं। ओके, आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम। नाउ, अब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आए हुए हैं, सबसे पहला है 2022 का, जिसमें कुछ वी विल डिस्कस, रेस्ट आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम, उसको खुद से आप पढ़ सकते हो, अगर आपको चाहिए आप इसको भी फाइंड कर सकते हो, बट कीप इट इन माइंड दैट नो टॉपिक्स विल बी रिपीटेड, वो नए नए टॉपिक्स ढूंढ ढूंढ करके लेकर के आते हैं, बट ये रिपीट नहीं होते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपने आप से स्टडी द टॉपिक्स दैट आर गिवन इन योर बुक्स ऑफ टोटल इंग्लिश, हम इधर उधर से ढूंढ करके आपको ला करके देंगे तो देखो आएगा भी नहीं एंड योर टाइम विल ऑल्सो बी वेस्टेड इन दैट। ओके, फर्स्ट इज राइट अबाउट अ डे व्हेन यू वर रिटर्निंग, आप घर से अब वापस आ रहे थे, वेदर सडनली चेंज हुआ एंड यू हैव टू डिस्क्राइब द साउंड, साइज, साइट्स, स्मेल्स दैट कैप्टिवेटेड योर सेंसेस, वेदर जो चेंज हुआ उससे आपका स्टेट ऑफ माइंड भी कैसे चेंज हो गया, दैट ऑल्सो यू हैव टू मेंशन। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ द एसे, दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ एसे। ठीक, देन उसके बाद है नैरेट, अब ये जो है देखो यहां पर ऑब्वियसली आपका ये पास्ट टेंस में, टू कीप इट इन पास्ट टेंस, जितना पूछा आपसे पास्ट टेंस में वो लिखो, फिर नरेट एन इंसिडेंट फ्रॉम योर लाइफ दैट यू एक्सपीरियंस्ड एन अनएक्सपेक्टेड एक्ट ऑफ काइंडनेस, आपने कहीं पर देखा कि कोई काइंडनेस है या इवन यू हैव डन समथिंग, सम एक्ट ऑफ काइंडनेस इन व्हाट इट मेड यू रियलाइज, और इससे आपको क्या चीज का एहसास हुआ, आपने देखा या आपके साथ हुई, एनीथिंग यू कैन मेंशन, इट इज नरेटिव, ये आपकी कहानी का हिस्सा है, एंड हियर यू विल यूज इट पास्ट टेंस एंड आई मी का यूज आप इसमें करोगे। देन टेक्नोलॉजी हैज एडवर्सली
अफेक्टेड ह्यूमन क्रिएटिविटी. एक चीज याद रखना, टेक्नोलॉजी में दे हैव नॉट टोल्ड यू ओनली अबाउट मोबाइल फोन्स. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, ऐसी चीजें होती हैं. उन्होंने सिर्फ मोबाइल फोन्स की बात नहीं की है, दे हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द होल ऑफ टेक्नोलॉजी. अब उसमें चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे इंटरनेट हो इन टोटल, ठीक, या फिर स्मार्ट वॉचेस हो, एनी ऑफ द थिंग्स. सो उसमें क्या हुआ है कि इट हैज अफेक्टेड ह्यूमन क्रिएटिविटी, की जो चीजें हम पहले अपने दिमाग से सोच करके करते थे, अब हम वो तुरंत तुरंत यहाँ पर मोबाइल से आइडियाज लेकर या गूगल से आइडियाज लेकर के कंप्लीट कर लेते हैं. देन कम्स मिस्ट्री. इट इज अ वेरी, और ये वाला कौन सा था, यू हैव, दिस इज आर्ग्यूमेंटेटिव ऑलरेडी इन टोल्ड. ये वाला कौन सा है, मिस्ट्री, जिसमें आप एक बहुत वाइड, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, तो आप इसको बहुत ही वाइड एंगल में ले सकते हो. यू कैन डिस्क्राइब इट इन एनी फॉर्म, दैट इज एक्सपोजिटरी. उसके बाद एक्सेस, और इसमें यू कैन ऑल्सो राइट स्टोरी पार्ट. देन लाइफ हैज नो लिमिटेशन एक्सेप्ट द वन वी क्रिएट. दिस इज योर रिफ्लेक्टिव, जिसमें शॉर्ट स्टोरी इज नॉट अलाउड, बट येस आप एक छोटा सा हिस्सा ऑफ योर स्टोरी लिख सकते हो. देन यू हैव टू राइट द शॉर्ट स्टोरी दैट इज टाइटल्ड एन इंटरेस्टिंग इंटरव्यू, और उसमें यू हैव टू इंट्रोड्यूस ऑल द टॉपिक्स, दैट इज प्लॉट, सेटिंग, कैरेक्टर्स, डायलॉग, एंड देयर शुड बी अ लॉजिकल एंडिंग. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. नाउ दिस पीडीएफ, जिसमें ये बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, दिस आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम. यू कैन रिव्यू इट, रीड कर सकते हो इसको भी, इसके भी ढूंढ ढूंढ करके, बट इट्स जस्ट कि इट विल नॉट बी रिपीटेड. येस यू कैन गो फॉर टोटल इंग्लिश. हो सकता है कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल सकता है कि क्या चीजें आएंगी, बट डेफिनेटली इट इज अ होल ईयर प्रैक्टिस. 2 days की प्रैक्टिस ये नहीं होती है ऐसे राइटिंग. ओके, कीप प्रिपेयरिंग. वट एवर अदर डाउट यू हैव, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.